बात अब लव जिहाद की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 8 मार्च को बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में ज्यादा खून बहने की वजह से एक युवती की मौत हो गई थी। पीड़िता दानिश नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। मौत से पहले पीड़िता का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने दानिश पर खुद को ताले में बंद रखने, मारपीट करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज सर उसको मना कर दीजिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं सिवाय मेरे जवान फैमिली के। सर रायगढ़ की लड़की का ये आखिरी वीडियो है, और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ की द केरल स्टोरी बताया जा रहा है। जी हाँ, आरोप है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की ये बेटी कथित लव जिहाद की भेंट चढ़ गई। सुनिए लड़की के वीडियो का ये हिस्सा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है, उसके कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है सर। अभी वाली नहीं है, पुरानी वाली है। मेरे को उससे कोई सा बात नहीं करना सर, मेरे को बस उससे अलग होके रहना, वो नहीं अलग होने देता हूँ। लड़की के मुताबिक साल भर से वो दानिश नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। दानिश ने उसके साथ अपनी पहली शादी की बात छिपाई थी। लिव इन में रहने के दौरान ही उसकी प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। बात बात में वो उसे बेरहमी से पीटता था। उसके कमरे पर हमेशा ताला लगाकर रखा जाता था। कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं। इंसान मुझे इंसाफ दिला दीजिए, मुझे जीने नहीं दे। मौत से पहले बनाए गए अपने वीडियो में लड़की ने आरोप लगाया कि दानिश से उसकी एक बच्ची भी हुई थी, लेकिन दो दिन बाद ही उसने उसे किसी को दे दिया। एक कन्फेशन और करना चाहूंगी, उसके साथ रहते रहते मेरा एक बेबी था, वो भी 2 दिन ही मेरे साथ रहा था। फिर तीसरे दिन हम लोग घर जा रहे थे, वो मेरे को बता दिया था उसको दे दूंगा, लेकिन तब भी बोलता था चल नहीं देंगे, तेरे साथ में रखेंगे घर के। और मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने साइन करवाए थे, और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। तो बहुत रोई थी सर, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कल ला के दे दूंगा और तुम्हारे साथ रखूंगा सर, कभी नहीं बोला। एक रूम में मेरे को ताला लगा के जाता था सर, सीजर में मेरी बेबी हुई थी, उसको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया सर, बल्कि आगे मैं ये बोलती थी कि तुम बच्ची हो कब लेके आओगे, जल्दी ले आओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बेबी को दे दिए ना, और कितने बार लाएंगी। फिर एक दिन ये भी बोला सर, क्या तेरी बेबी का जलसा हो रहा है, तू भी दारू पी बैठ कर। दानिश से जब युवती दूसरी बार गर्भवती हुई तो उसने लड़की को कोई दवा खिला दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और बिलासपुर सिम्स में इलाज के दौरान 8 मार्च को उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत के करीब 2.5 महीने बाद 29 मई को आरोपी के खिलाफ चक्रधर नगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसी दिन पुलिस ने दबिश देकर आरोपी दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया। के बाद जो तथ्य आए थे, तो उस तथ्यों के अनुरूप उसमें पाया गया कि गैर इरादतन हत्या हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए धारा 304 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और उसको माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। अभी 2 महीने पहले बिरनपुर गांव में एक युवक की मौत पर दो समुदाय के बीच बवाल हो गया था। अब रायगढ़ के मामले से छत्तीसगढ़ की सियासत फिर गरमाने के आसार है। नरेश शर्मा, रायगढ़ आज तक। रायगढ़ में लड़की की मौत पर बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साफ का आरोप है कि बघेल के शासन में ऐसे मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि लव जिहाद की घटना छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, लगातार हिंदू समाज की बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बीरनपुर के भुवनेश्वर साहू जो 22 वर्षीय युवक की जिस निर्ममता पूर्वक हत्या हुई, उसके सभी हत्यारे अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं।
ये बताता है कि सरकार किस प्रकार से हिंदू समाज के साथ हो रहे घटनाओं पर क्या रुख अपना रही है, ये इन घटनाओं से स्पष्ट है।